हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी मसाला पोहा बनाने की विधि, जिसकी इंग्रेडिएंट्स घर में इजीली अवेलेबल होती है। और मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने से आप घर में ही बहुत ही अच्छी और फ्लेवरफुल पोहा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मसाला पोहा। और मेरी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला पोहा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पोहा ले लिया है। ये मोटा वाला पोहा है जिनको मैंने भिगो के उसका सारा पानी निकाल लिया है। ये फ्राइड पीनट्स है, यानी कि मूंगफली है 25 ग्राम्स, टर्मरिक पाउडर एंड चिली पाउडर। अगर ये बच्चे खा रहे हो तो चिली पाउडर को ना डालें। थोड़ी सी शुगर हमें यहाँ पर चाहिए, 1 टीस्पून। ये छोटे वाले राई और होल जीरा। सॉल्ट हमें चाहिए स्वाद अनुसार। ये वेजिटेबल्स है, यहाँ पर फ्रेंच बीन्स है, कैरेट्स है और ये टमाटर है जिनको मैंने डीसीट करके चॉप कर लिया है। आपके पास अगर वेजिटेबल ना हो तो आप इसे बिना वेजिटेबल के भी बना सकते हैं। ये करी लीव्स है जिनको मैंने चॉप कर लिया है। करी लीव्स को चॉप करने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये तेल में डालते वक्त ज़्यादा स्प्लैटर नहीं करती है। और ये 2 मीडियम साइज़ के अनियंस यानी कि प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। इस पोहे पे मैंने अभी शुगर मिला दिया है और थोड़ी सी सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेनी है। और इसको मैं अभी साइड में रख दूंगी। और एक कढ़ाई में मैं 2-3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल और उसके साथ सेम क्वांटिटी की घी मिला दूंगी। इससे पोहे में टेस्ट और भी अच्छी आती है। इस कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल और घी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये राई और जीरा, थोड़ी सी चला दूंगी मैं। मस्टर्ड ऑयल और घी को साथ में डालने से बहुत ही अच्छी अरोमा आती है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। और साथ में डाल दूंगी ये कड़ी पत्ता। तो आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता बिल्कुल भी स्प्लैटर नहीं कर रही है इसे काट कर डालने से। और इसमें से फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी आती है। इसे थोड़ी सी चला दूंगी मैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटे हुए अनियंस को और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी ट्रांसलूसेंट होने तक। अच्छी तरह से चलाते हुए इसको फ्राई कर लेनी है। प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये डाइस्ड कैरेट्स और साथ में ये फ्रेंच बीन्स और इनको अच्छी तरह से भून लूंगी जब तक कि ना ये सॉफ्ट हो जाए। हमें इसके कलर यहाँ पर चेंज नहीं करनी है। और इसी के साथ मैं इसमें अंदाजे से थोड़ी सी सॉल्ट डाल दूंगी ताकि वेजिटेबल्स जो है वो जल्दी से कुक हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये चॉप की गए टमाटर। अगर आप इसको पैक करके कहीं ले जाने वाले हैं तो मैं कहूंगी कि इसमें टमाटर ना डालें, क्योंकि टमाटर में से खाने में बहुत जल्दी पानी आ जाती है। और इसी के साथ डाल दूंगी मैं इसमें ये हल्दी पाउडर और मिर्च का पाउडर। वेजिटेबल्स यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगी इस पोहे को और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला दूंगी।
अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। और साथ में मूंगफली, मूंगफली को सबसे आखिर में डालनी है क्योंकि आखिर में डालने से इसका करारापन जो है वो सही रहती है। और इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। आखिर में मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया का पत्ता भी ऐड कर दिया है। और ये लीजिए, तैयार हो गई है मसाला पोहा। अब मैं इसको प्लेट कर देती हूँ। ये देखिए बन गई है मसाला पोहा, और घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पाने के लिए।